92.7 बिग एफएम पर मैं हूं खुराफत दिन दिल्ली के धाकड़ कहते कुछ कर और रोज कर एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ और इसमें जुड़ने के लिए आज हमारे साथ कौन है जी गुड मॉर्निंग भाई दिल्ली को बताएंगे आप हाय माय नेम इज ब्रेन खन्ना एंड आई एम द फाउंडर ऑफ न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी और आप सुन रहे हो मुझे खुराफाती नितिन के साथ ब्रेन आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है एंड कूडोज टू यू एंड यू नो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए आपको और आपकी टीम को पर आपके डेटा के अकॉर्डिंग कितने पेड़ कटते हैं दिल्ली में थोड़ा सा बताइए दिल्ली में हर घंटे 5 पेड़ कटते हैं जहाँ पे पेड़ कम है वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है और जहाँ पे पेड़ कम हो जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू भी कम हो जाता है दिल्ली में जो भी जगह में ज़्यादा पेड़ है वहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू ज़्यादा है और जहाँ पेड़ कम है वहाँ पे वैल्यू कम है तो आप अपने घर के बाहर कुछ पेड़ लगाओ अपना प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाओ और प्रदूषण कम करो अभी बहुत सारा प्रदूषण है दिल्ली में तो अपने घर के आसपास पेड़ लगाओ पौधे लगाओ अपने छत पे बालकनी में गार्डन में ताकि प्रदूषण कम हो जाएगा और जो एक्टिविटीज़ से प्रदूषण बन रहा है वो सारे एक्टिविटीज़ कम कर सकते हो ताकि प्रदूषण कम बनेगा और हम सब के लिए पेड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे साल हम पेड़ की छाया की ज़रूरत है और पेड़ों से प्रदूषण भी कम होता है ये जो आपने बात कही थी ना अभी कि 5 पेड़ हर घंटे कटते दिल्ली में थोड़ा उसका डिटेल्स दे दो आपको एक एफिडेविट डाला गया हाईकोर्ट में जिसमें क्लियरली बताया गया है कि 2019 2020 और 2021 में कितने पेड़ कटे दिल्ली में 2019 में 29,946 पेड़ कटे 2020 में 47,474 पेड़ कटे और 2021 में 55,697 पेड़ कटे हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स की वजह से जो भी है परमिशन के साथ ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए काटे गए तो दैट इज हाउ दैट नंबर इज कम कि हर 5 मिनट में दिल्ली में जो है इतने पेड़ कटते हैं पर मुझे बताइए ये जो आप वेस्ट रिसाइकिल करने की बात करते हैं मैं आपके कई वीडियोस भी देख रहा था जहाँ आप एक बोतल को जो है बिल्कुल स्ट्रिप्स बना के उसकी रोप की तरह बना रहे थे उससे प्लास्टिक की बोतल से थोड़ा सा बताइए इसके बारे में मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं दिन में जो भी कंज्यूम कर रहे हैं इन सब चीज़ों से वेस्ट बनता है और पूरे देश में सबसे बड़ा लैंडफिल दिल्ली में है भालसा लैंडफिल तो ये लैंडफिल कैसे बनते हैं ये सारा वेस्ट से ही बन रहा है जो भी हमारा वेस्ट गल सकता है गलने वाली चीज़ों को हमें उससे खाद बनाना चाहिए और जो चीज़ नहीं गलता उससे अलग यूजेस होते हैं और रिसाइकिलिंग आइडियाज़ आप नेट पर भी देख सकते हो हर चीज़ रिसाइकिल हो सकता है आज और सबसे बेस्ट आइडिया है कि ये सारे वेस्ट मटीरियल से आप नेचर को और सपोर्ट करें और नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करें नेचर के साथ रहना चाहिए उसको हटाना नहीं चाहिए अपने आसपास से वेल वीरेन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कीप अप द ग्रेट वर्क यू डूइंग एंड थैंक यू सो मच आज हमारी मुहिम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच नितिन आपके शो पे आने में बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे एंड स्टे ग्रीन थैंक यू सो मच रही मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं खुराफत दिन बिग एफएम पर कुछ कर और रोज कर